जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजय सक्सेना। भाई आज यहां ऑटो एक्सपो में ना एमजी के वहां पे मैं आया हूं और यहां पे मेरे को ना ये गाड़ी मिली है एमजी की EMG6। सो EMG6 के बारे में ना आज हम बात करेंगे आपको। ना मैं ना सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कार है ये भाई एक सेडान व्हीकल है और इसकी टेक्नोलॉजी जो है ना ये है प्लग इन हाइब्रिड। अब प्लग इन हाइब्रिड क्या है भाई? हमारे देश में ना माइल्ड हाइब्रिड, प्योर हाइब्रिड ये आपने सुना होगा, लेकिन भाई एक प्लग इन हाइब्रिड है जो यहाँ पे एमजी के पास में हमें देखने को मिलता है। अभी ये होता क्या है, एक नॉर्मल हाइब्रिड व्हीकल में क्या रहता है कि भाई एक स्पेसिफिकेशन सिंगल है कि भाई एक सर्टेन स्पीड लिमिट है कि इस स्पीड से ज़्यादा अगर गाड़ी जाएगी तो वो आईसी इंजन पे आ जाएगी, लेकिन अगर इतने तक की कोई सर्टेन स्पीड 40 की 50 की उस स्पीड से नीचे होगी तो वो गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलेगी, ठीक है, वो हाइब्रिड होता है। लेकिन दोस्त प्लग इन हाइब्रिड क्या है? प्लग इन हाइब्रिड मतलब एक डेडिकेटेडली एक अलग से बैटरी पैक गाड़ी के अंदर दे रखा है जिस पे आपको क्या है बैटरी पैक के साथ आईसी इंजन भी है। तो यहाँ पे बैटरी पैक आईसी इंजन आपको दोनों देखने को मिलेंगे जिसमें आपकी चॉइस है। आप अगर चाहो तो भाई गाड़ी को आप बैटरी पे चलाओ, बैटरी पे अगर पूरी ड्रेन आउट हो जाए तो आपके पास में सेकंड ऑप्शन है आपका आईसी इंजन। तो ये है प्लग इन हाइब्रिड। यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए आप, ये एक टैंक है यहाँ पे, ये हो सकता है ये भाई फ्यूल टैंक हो क्योंकि ये हम बैटरी पैक हम खोल नहीं सकते, इसका देख नहीं सकते कि कहाँ पे चार्जिंग लग सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये सेकंड जो है ये हो सकता है कि ये बैटरी का चार्जिंग का टैंक हो। तो हालांकि भाई ये एक इंडिया के अंदर गाड़ी नहीं है, इनका ग्लोबल प्रोडक्ट है। तो आज इसी गाड़ी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि गाड़ी में क्या क्या आता है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है, इंडियन मार्केट में अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है तो भाई कितना सही हो सकता है। प्लग इन हाइब्रिड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक, अब आपको ना मैं थोड़ा सा इसके स्पेक्स के बारे में बताता हूँ। भाई गाड़ी के अंदर यहाँ पे 1500 सीसी का हमें यहाँ पे इंजन देखने को मिल रहा है, टर्बो चार्ज इंजन है ये 1500 सीसी का। और गाड़ी के अंदर बैटरी जो सेकेंडरी जो इसमें बैटरी साथ में मिल रही है वो भाई तकरीबन 11.1 किलोवाट की है, जिसमें अगर मैं सिर्फ बैटरी पे अगर मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा ना तो 70 किलोमीटर तक ये गाड़ी भाई चल सकती है। गाड़ी की पावर है 305 PS की और गाड़ी का टॉर्क है 480 न्यूटन मीटर का। भाई लिटरली गाड़ी रॉकेट है, आप देख रहे हो ना, ये भाई एक स्पोर्ट्स सेडान है, एक नॉर्मल सेडान नहीं है, एक स्पोर्ट्स सेडान है ये गाड़ी MG6। और यहाँ पे ना आपको एडास भी देखने को मिल रहा है, 6 एयरबैग हैं, एडास लेवल 2 का इस गाड़ी में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो एक बार गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं गाड़ी में क्या क्या आ रहा है। फ्रंट में अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक MG की एग्रेसिव ग्रिल हमें देखने को मिल रही है जिसके अंदर यहाँ पे साइड में साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ यहीं पे भाई इसके डे टाइम रनिंग लैम्प देखने को मिल रहे हैं। नीचे रियर में अगर हम देखें भाई कुछ इस तरीके से बम्पर के स्पॉयलर हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और एक गाड़ी और है, अगर इसी गाड़ी को ना मैं साइड से देख रहा हूँ ना तो ये ना मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी को एक्सटेंड करा हुआ है। ये देखिए इसके व्हीलर्स देखिए कितने बाहर को एक्सटेंडेड व्हीलर्स बना रखे हैं गाड़ी ने। अब साइड से ना एक चीज़ और है, ये देखो फ्रंट में ना इसको देख रहे हैं आप, ये एरोडायनामिक को ना मतलब जिस तरीके से यहाँ पे इसमें क्रीजेस दे रखी हैं भाई, ये कुछ ना एरोडायनामिक से ही रिलेशन है इसका कुछ, ये भाई ऐसा डिज़ाइन है MG की 6 में, तो EMG6 है ये। अब यहाँ पे ये आ गया, एडास के सेंसर्स आ गए, सनरूफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक नॉर्मल सनरूफ है, प्लस कुछ इस तरीके का ये ORVM हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर आ गए और भाई गाड़ी के टायर्स आप देखिए, ये भाई यहाँ पे मिशलिन का हमें टायर देखने को मिल रहा है, 18 इंच का ये टायर है और ये इसके कुछ इस तरीके से यहाँ पे अलॉय व्हील हैं। और आपको यहाँ पे ना भाई डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, ये जो डिस्क ब्रेक है ना ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है, आप देखिए कितना बड़ा है। तो फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है, रियर में अगर मैं बात करूँ ना एक प्लेन डिस्क ब्रेक है, लेकिन भाई ऐसा वैसा नहीं है, ये देखो कुछ भाई ऐसा हमें ये डिस्क ब्रेक हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ये पार्ट हुआ। और ये आप देखिए भाई स्पॉइलर एक अलग ही गाड़ी को लुक दे रहा है। तो साइड से तो ना भाई ये गाड़ी कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। रियर में लेके चलते हैं, रियर में अगर हम बात करें तो भाई ये ट्विन एग्जॉस्ट के साथ में गाड़ी आ रही है। भाई MG6 के ना इसकी तो लाइटें ही कुछ अलग है, देख रहे हो भाई LED लाइट्स,
इतनी क्रिस्प और क्लियर है ना, एक एक लाइट अलग से दिख रही है भाई, अल्टीमेट भाई। कुछ इस तरीके से रियर का पार्ट है, यहाँ पे ये स्पॉइलर आ रहा है, तो एक्स पावर का बेज हमें मिल रहा है, एमजी का बेज देखने को मिल रहा है, और ये रियर बम्पर के यहाँ पे स्कर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हुआ, और ये देखो ना बॉडी वाकई में देखो एक्सटेंड है। अब आपको ना मैं एक बार यहाँ पे ड्राइवर सीट पे लेके चलता हूँ और अंदर जाके दिखाता हूँ कि गाड़ी में और अंदर से क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। तो भाई एक बार अंदर चलते हैं। ये गाड़ी भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे अंदर गाड़ी का इंटीरियर है भाई। यहाँ पे ये सीट्स भाई बहुत अच्छी, इसकी सीट्स की कुशन की क्वालिटी है, एक्स पावर का बेस देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से गाड़ी का स्टेयरिंग आ रहा है। एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं। डोर कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें लॉक अनलॉक के बटन मिल जाएँ। ये हमें एमजी का स्टेयरिंग कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये सुपर स्पोर्ट्स मोड है भाई, ये है स्पोर्ट्स मोड आ गया भाई। ये कॉकपिट डिज़ाइन आ रहा है भाई, गजब। ये देख रहे हैं आप, ये है भाई इसका कॉकपिट डिज़ाइन, कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गियर हो गए भाई, इंटीरियर कुछ अलग ही है भाई, मतलब लिटरली ये गाड़ी ना। और ये भाई इसके वो देखो, सीट बेल्ट देखो, ग्रीन कलर की सीट बेल्ट है। तो प्लग इन हाइब्रिड को हर जगह पे दिखाया जा रहा है। ये इसके ग्लोव बॉक्स आर्मरेस्ट आ गया, ग्लोव बॉक्स हो गया, प्लस ये ऐसा ग्लोव बॉक्स यहाँ पे आया। ये कुछ भाई गाड़ी हमें यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रही है। और रियर में हम देखें तो 60-40 स्प्लिट सीट्स का हमें सेटअप देखने को मिल रहा है। एक बार गाड़ी का रियर का बूट खोलता हूँ और देखते हैं गाड़ी में क्या हो रहा है। भाई गाड़ी में जो स्पॉइलर है ना, ये ही भाई मतलब कुछ एक अलग ही है, देख रहे हो। अब बूट दिखाते हैं भाई, ये कुछ बूट है गाड़ी का, देख रहे हो, मतलब आपने ये देखो, मैंने ये बूट खोला ना, शीशा समेत ये गाड़ी ऐसे हुई। कुछ इस तरीके से इसका पार्शल ट्रे हटाते हैं, ये हमें यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग अपनी राय बताओ कमेंट्स में कि भाई अगर ये गाड़ी इंडिया के अंदर आती है, कितने से कितने रुपए के बीच में हो सकती है, और कैसी लगी आपको गाड़ी ये भी। थैंक यू सो मच। मैं हूँ संजय सक्सेना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, जो लोग एमजी के फैंस हैं, और बाकी सबको थैंक यू सो मच।